तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रील्स वीडियो है बहुत सारे, यहाँ पर यूट्यूब पर देखने को मिलता है, लेकिन इसमें बहुत बार देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर शॉर्ट वीडियो जो है इसमें थंबनेल लगा हुआ है, ठीक है। हमने वीडियो को स्टार्ट करने के बाद में ये जो थंबनेल पर देखा है ये नहीं देखता है, दूसरा कुछ भी देखता है। अगर वो आया तो 1 मिनट 1 सेकेंड के लिए आता है, ठीक है। तो ये कैसे आप भी कर सकता है ये मैं आपको बताऊँगा। देखिए, क्योंकि आप जो वीडियो डालते हैं ये डालने के बाद में कोई भी किधर से एक पार्ट आके यहाँ पर थंबनेल हो जाता है, ठीक है। और आपको यह पता नहीं चलता है कहाँ से आप थंबनेल लगाना है, कैसे लगाना है। क्रिएटर स्टूडियो से अगर आप थंबनेल लगाओगे तो यूट्यूब का जो पूरी वीडियो होता है उनकी जैसा थंबनेल हो जाता है। तो यहाँ पर रील्स में थंबनेल दिखाई नहीं देता है, ठीक है। थंबनेल पर जो आपने एडिट किया है उससे कोई खराब वाला पार्ट लग जाता है, आपको लगने के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका वीडियो अच्छा है तो भी रैंक नहीं करता है। देखिए यहाँ पर एक थंबनेल देखिए, यहाँ पर ये जो वीडियो देख रहा है ना, ये इसका एक एरर देख रहा है ना, ये इस एरर बनाया। देखिए यहाँ पर इस एरर की वजह से लोगों ने समझा है क्या चीज़ है इस वीडियो के अंदर, ये सोचकर वीडियो पर क्लिक कर दिया, और ऐसे क्लिक करके करके 52 मिलियन हो गया। अगर ये वीडियो थंबनेल नहीं लगा था तो इतना व्यू कभी नहीं आता, ठीक है। और ये थंबनेल मैं भी लगा के दिखाऊंगा, मैं कुछ दूसरी वीडियो पर सेम थंबनेल को स्क्रीनशॉट करके मैं वहाँ पर लगाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर ये सभी बहुत सारे यूट्यूबर ने जितना वीडियो वायरल हो रहा है ये थंबनेल लगाया, ठीक है। तो बिना किसी डेरी करके हमने चला जाता तो काई मास्टर का अंदर, काई मास्टर या बीएन किसी भी ऐप का अंदर जाइए, ठीक है। जाने के बाद में देखता हूँ, यहाँ पर मैंने काई मास्टर को ओपन कर लिया और यहाँ पर कुछ भी एक प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। देखिए रील्स का, तो हमने रील्स वीडियो ले लेता हूँ। रील्स वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमने कुछ भी एक वीडियो ले लेता हूँ। देखिए हमने ये वीडियो को ले लिया, और ये वीडियो लेने के बाद में हमने इसको, इस वीडियो को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से इस वीडियो को कट कर दिया, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ये वीडियो को छोटा करके ले लिया, ठीक है। मैं सिर्फ ट्राई के लिए, ठीक है, मैं आपको दिखाना है। तो थंबनेल लगाने के लिए मेरा वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट, आपका वीडियो जितना एडिटिंग करना है आप एडिट कर लीजिए। करने के बाद में, एडिट कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर एक काम करिए, यहाँ पर कोई भी जगह पर यहाँ पर आपको कुछ दिखाने का नहीं है, यहाँ से आप देखिए हमने यहाँ पर लगाना चाहता हूँ थंबनेल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ भी एक थंबनेल ले लिया, तो वो जो वीडियो दिखाया आपको इसका थंबनेल ले लिया, ठीक है। ये थंबनेल लगा था, आप पूरा वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको मैं आप लोग को दिखाने के लिए थोड़ा जल्दी लगा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये मैंने ले लिया और इसको 1 सेकंड के लिए छोटा कर दिया, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखोगी तो पता चलेगा, नहीं तो इसको पता नहीं चलता है, देखिए, ठीक है। तो हमने इसको लगा रखा है ना, अभी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। वीडियो एक्सपोर्ट करने के बाद में दिखाता हूँ, मैंने इसको वीडियो अपलोड करता और ये थंबनेल कैसे आएगा अपलोड करने के बाद में। तो हमने यूट्यूब चैनल पर जाता, यूट्यूब चैनल पर जाने के बाद में तो हमने यहाँ पर एक दूसरा चैनल सिलेक्ट कर दिया। करने के बाद में यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करिए, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर रील्स जो ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पर क्लिक करके आपकी जो अभी एडिट किया है उस वीडियो को ले लीजिए। यहाँ पर देखिए हमने इसको ले लिया, ठीक है। और जो शॉर्ट 1 सेकंड के लिए जो वीडियो लगाया वो आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हमने इसको थंबनेल लगाएगा, ठीक है। तो वीडियो देखिए यहाँ पर क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में आपको जो थंबनेल लिखना है लिख दीजिए, ठीक है। तो मेरा AI के बारे में वीडियो है तो मैंने सिंपल AI लिख दिया, AI वीडियो, ठीक है, AI वीडियो लिख दिया। लिखने के बाद में यहाँ पर देखिए ऊपर में, यहाँ पर वीडियो पब्लिश नहीं करना है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक पेंसिल का आइकॉन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करिए, ठीक है। पेंसिल का आइकॉन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर थंबनेल लगाने के लिए एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। आपकी वीडियो में कोई अच्छी कोई यह है थंबनेल है तो यहाँ आप एडजस्ट कर लेना, अगर नहीं है तो यहाँ पर आना है, ठीक है। अब जो थंबनेल काईमास्टर में लगाया था तो इसको एडजस्टिंग करना है इस तरह से। तो देखिए ये एडजस्टिंग करके मैंने थंबनेल लगा दिया, और यहाँ पर डन कर देना है और वीडियो को अपलोड कर देना है। तो देखिए मैंने वीडियो को अपलोड करा, अपलोड करने के बाद में आपको सेम थंबनेल को वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है। वीडियो अपलोड होने दीजिए इस तरह से। देखिए जितना सारी वीडियो है सब, जितना वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आती है ये सब ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और आप लोग इस तरह से थंबनेल लगा सकता है।
तो देखिए हमारी वीडियो पब्लिश हो चुका है। अब हमने व्यू करता हूँ, व्यू करने के बाद में यहाँ पर ऊपर में देखिए वीडियो, और इस वीडियो के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। 8000 प्लस तो ये देखिए वीडियो बंडल वीडियो भाई वही बा है, अपना मात्र 50 टका है, और उन्हें जो पांच थंबनेल बार देखा है वो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आपका वीडियो में शॉर्ट जो वीडियो होता है इसमें थंबनेल लगा सकता है। देखिए थंबनेल कितना आसानी से थंबनेल लग चुका है, और आप लोग भी वैसा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो